मोटरसाइकिल, एसी, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वैसे कितने साल का हो गए हो? जी 21 साल का। क्यों जी 21 साल के हो गए हो? जी। अरे बेवकूफो, अब हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब हमारा बेटा 21 साल का हो गया है, अगले साल इसकी शादी करवा देंगे, तो दहेज में ये सब तो मिल ही जाएगा, फालतू में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत। अरे वाह पापा, आपने क्या बात कही है। अरे पापा तो पहले से ही बहुत समझदार हैं। धनी लोग सामान नहीं खरीदते, सोचते हैं कि लड़के की शादी होगी दहेज मिलेगा, लेकिन इस लड़की के पिता को क्या, जो लड़की के पैदा होते थे ही अपने तन मन धन सब कुछ लगा देता है दहेज इकट्ठा करने के लिए। अरे मेरे देशवासियों, दहेज के प्रति अपनी सोच बदलो। अरे घर में कोई है क्या? अरे राम जी आओ आओ। राम राम साहु भैया। राम राम। सीता बेटी, काका आए हैं, उनके लिए चाय ले आओ। जी पिताजी। क्या हुआ साहु भैया, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, सीता की माँ की तबीयत 5-6 दिनों से कुछ ठीक नहीं है। तो किसी डॉक्टर को नहीं बताया क्या? अरे कैसे दिखाऊं, उसकी बीमारी सिर्फ एक लेडी डॉक्टर ही ठीक कर सकती है, और तुम तो जानते हो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं भी लेडी डॉक्टर नहीं है। ये तो चिंता का विषय है साहु भैया। काका जी चाय। क्या हुआ सीता बेटी, आज स्कूल नहीं गई? स्कूल की यहाँ छुट्टी है? नहीं नहीं छुट्टी नहीं है, मैंने तो उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया है। पर क्यों? अरे क्या करेगी वो पढ़ लेकर, कौन सा उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, उस वाले वाले उसकी शादी हो जाएगी, उसी वाले से अपने घर का चूल्हा चौका ही तो करना है, फिर क्यों मैं उसकी पढ़ाई में फोन खर्च करूं? ये तो बिल्कुल सही कहा साहू भैया, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। हाँ हाँ ऐसा ही करो। वाह भाई वाह, अपनी माँ बहन और बेटी के लिए लेडी डॉक्टर चाहिए, लेकिन आज भी लड़कियों को पढ़ाना फिजूल खर्च है, बेकार है। बेकार है वो इंसान जो ये सोचता है, कैसे तरक्की होगी हमारी देश की, कैसे तरक्की कर पाएंगे हमारी ये सोच। अरे मेरे देशवासियों, लड़कियों को पढ़ाने के प्रति अपनी सोच बदलो। I'm living.